गुड मॉर्निंग क्लास एट। हमने हिंदी के तीन पार्ट जो हैं वो पूरे कर चुके हैं, पार्ट एक, पार्ट दो, पार्ट तीन, है ना। इनके क्वेश्चन आंसर्स भी आप लिख चुके हैं अपनी कॉपी में, और कुछ बच्चों की तो मैं कॉपी चेक भी कर चुका हूँ। तो जिन बच्चों को कॉपी चेक नहीं हुई है वो भी अपनी कॉपी कंप्लीट रखें, ताकि जब भी हम कॉल करें तब आपको बुलाएं या हमारा आपके घर आना हो तब हम बैठ कर कॉपी चेक कर सकें। ओके, तो आज का हमारा पार्ट है पार्ट चार, सबके चेहरे खिल उठे। इसे हम रीड करेंगे, इसे पढ़ेंगे, इसे समझेंगे कि इसमें क्या है, इससे हमें क्या सीखना मिला है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आप अपनी हिंदी की बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 16 निकालिए, पेज नंबर 16, हिंदी की बुक पेज नंबर 16, पार्ट का नाम है पार्ट चार, सबके चेहरे खिल उठे। अब हम इसे रीड करेंगे। ओके, तो इसमें क्या सीखना मिलेगा हमको, पुलिस के प्रति मित्रता के भाव। पुलिस के प्रति लोगों की क्या है कि नेगेटिव विचार होते हैं, गलत धारणाएं होती है कि पुलिस तो ऐसी होती है, पुलिस तो वैसी होती है, पुलिस तो रिश्वत होती है, रिश्वत के बगैर वो काम करती नहीं है, लोगों को डराती है, धमकाती है, ऐसी जो धारणा है उनको अलग हटा के उनके प्रति अच्छा भाव जागृत करना ही इस कहानी का क्या है, उद्देश्य है। तो हम इसको रीड करेंगे। ओके, जीतू है ना, एक बच्चे का नाम है जीतू, वो बोल रहा है दादाजी पड़ोस में पुलिस आई है, रामू भैया की काका को अपने साथ ले जा रही है, मुझे डर लग रहा है। क्या बोल रहा है जीतू, दादाजी पड़ोस में क्या आई है, पुलिस आई है ना। रामू भैया के काका को, जो रामू उसका दोस्त होगा या होगा कोई, उसके काका को अपने साथ ले जा रही है, कहाँ ले जा रही है, अपने साथ ले जा रही है, कौन ले जा रहा है, पुलिस, है ना। मुझे डर लग रहा है, किसको डर लग रहा है, जीतू को डर लग रहा है, और जीतू ऐसा बोल के दादाजी के पीछे क्या करता है, छुप जाता है ना। तो फिर दादाजी बोलते हैं डरते नहीं बेटा, डरते नहीं बेटा, पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, हमें डरना नहीं चाहिए। उसको दादाजी बोल रहे हैं कि पुलिस जो है वो क्या है, हमारी रक्षा के लिए, वो तो हमारी रक्षा करती है, उनसे कैसा डरना। मानवी, इतने में मानवी आती है, दादाजी रामू भैया बहुत रो रहा है, दादाजी रामू भैया बहुत रो रहा है, ऐसा कौन बोल रहा है, मानवी बोल रही है, उसके काका को पुलिस मारेगी तो नहीं, मानवी बोल रही है उसके काका को पुलिस मारेगी तो नहीं, क्या उन्हें जेल में बंद कर देगी, ऐसा कौन बोल रहा है, मानवी बोल रही है, क्या उन्हें जेल में बंद कर देगी, दादाजी नहीं बेटी ऐसी बात नहीं है, जब कोई अप्रिय घटना या अपराध हो जाता है तो पुलिस किसी से भी पूछताछ कर सकती है, जब कोई घटना होती है तो उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं तो पुलिस उनसे पूछताछ करने के लिए भी किसी किसी को स्टेशन बुला लेती है या ले जाती है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। हर किसी को मारना पीटना या जेल में डालना उसका उद्देश्य नहीं, ऐसा करना गैर कानूनी है बेटा। क्या बोल रहे हैं दादाजी, कि बिना काम से ना तो मारते हैं, ना डराते हैं, ना धमकाते हैं, कुछ भी नहीं करते और जेल में भी नहीं डालते हैं, है ना, ऐसा करना कानूनन अपराध है। ओके जीतू, तो क्या पुलिस ने काका जी को गिरफ्तार नहीं किया, फिर वे उन्हें लेकर क्यों जा रहे हैं। तो जीतू क्या बोल रहा है, तो क्या पुलिस ने काका जी को गिरफ्तार नहीं किया, अगर गिरफ्तार किया है तो उन्हें लेकर गए हैं, गिरफ्तार नहीं किया है तो उन्हें क्यों लेकर गए हैं। दादाजी जांच पड़ताल और दोषी लोगों तक पहुंचने के लिए पुलिस को लोगों से पूछताछ करनी पड़ती, कितनी बार क्या होता है कि सड़क पर कोई एक्सीडेंट होता है, अब एक्सीडेंट करने वाला तो निकल जाता है लेकिन आसपास के लोगों से पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो छानबीन करती है, और वहाँ जो आसपास के लोग हैं रहने वाले या वहाँ से गुजरने वाले कोई व्यक्ति जो रुक जाते हैं देखकर, तो उनसे पूछताछ करती है कि आपने क्या गाड़ी का नंबर देखा है, क्या कौन सी गाड़ी थी, किस कलर की थी, वो कैसे लोग थे दिखने में, ऐसी पूछताछ वो सामान्य रूप से करते हैं। ओके, वह किसी को गिरफ्तार तभी करती है जब प्रथम दृष्टा कोई आरोप उन पर लगता है, गिरफ्तार तभी होता है जब कोई आरोप उन पर लगता है ना, जब उन्होंने कुछ गलत किया हो पुलिस तब उनको उठा के ले जाती है। हो सकता है रामू की काकाजी को तत्काल ही पुलिस छोड़ दे, पड़ोस में दो दिन पहले जो चोरी हुई थी उन चोरों को पकड़ना भी तो जरूरी है, पड़ोस में चोरी हुई थी तो उसकी जानकारी लेने के लिए वो रामू के काका को ले गए। जीतू, रामू तो कह रहा है पुलिस वाले उसके घर के सभी लोगों को ले जाएंगे। जीतू क्या बोल रहे दादाजी से, कि रामू तो कह रहा है कि पुलिस वाले उसके घर के सभी लोगों को ले जाएंगे। दादाजी ऐसी कोई बात नहीं है, हमें पुलिस वालों का सहयोग करना चाहिए, पुलिस वालों को हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सहयोग करना चाहिए, अगर पुलिस वाले जाती करें, निर्दोष व्यक्ति को सताए तो इस आशय की शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों को
अधिकारियों जैसे जिला पुलिस अधीक्षक, डीआईजी रेंज एवं राज्य के पुलिस महानिदेशक मानवाधिकार आयोग की से की जा सके। अगर कोई पुलिस वाला ऐसा है जो जबरदस्ती माथे आ रहा है, जबरदस्ती बिना किसी जुर्म के वो मारपीट कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की शिकायत हम कर सकते हैं। कहाँ पर? उच्च अधिकारियों को कर सकते हैं, जिला पुलिस अधीक्षक को कर सकते हैं, डीआईजी को कर सकते हैं, है ना, महानिदेशक को कर सकते हैं और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को भी कर सकते हैं। तो मानवी क्या बोली, यदि सचमुच काकाजी ने गलती की हो तो पुलिस उन्हें अवश्य गिरफ्तार कर लेगी, ऐसा दादाजी ने बोला। मानवी, गिरफ्तारी क्या होती है? मानवी फिर क्वेश्चन कर रही, छोटे बच्चों की आदत होती है जब वो क्वेश्चन करते ही रहती है ना। दादाजी, गिरफ्तारी का मतलब पुलिस अपने रिकॉर्ड में लिखते हुए उसे अपनी हिरासत में रखेगी। क्या करेगी? गिरफ्तारी का मतलब पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी और उसका सारा रिकॉर्ड जो है अपने हिरासत में रखेगी। गिरफ्तार करने के बाद उसे 24 घंटे के भीतर ही न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। गिरफ्तार किसी भी व्यक्ति को किसी भी जुर्म में अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ FIR जारी की है, FIR दर्ज की है, तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित करना होता है, ऐसे कानूनन नियम है। पूछताछ करने और जरूरत होने पर न्यायाधीश पुलिस को अपने पास रखने की अनुमति देंगे या फिर जेल भेज देंगे। हो सकता है किसी की जमानत पर उसे छोड़ भी दे। काका के विरुद्ध जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक काका निर्दोषी कहलाएंगे। हो सकता है कि पूछताछ करने के बाद छोड़ दें, या हो सकता है कि न्यायालय उसे, न्यायाधीश उसे पुलिस को अपने पास रखने की अनुमति देंगे, या फिर जेल भी भेज सकते हैं, या फिर उसे जमानत भी मिल सकती है, ऐसा किसने बोला? दादाजी ने बोला। अब मानवी पूछ रही है फिर, काकाजी तो बहुत परेशान होंगे। मानवी क्या बोल रही है? काकाजी तो बहुत परेशान होंगे, न जाने पुलिस वाले उनके साथ कैसा व्यवहार करें, उन्हें तो अपने बचाव के लिए कुछ समझ में भी नहीं आता होगा, है ना। जब पुलिस वाले अच्छे के साथ अच्छा भी करते हैं, बुरे के साथ बुरा भी करते हैं, इसीलिए लोग बोलते हैं कि कानून के साथ चलना चाहिए, कानून के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। दादाजी, यदि पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करेंगे तो उसकी सूचना उनके घर वालों को भी अवश्य देंगे। अगर पुलिस वाले आपको ले जाते हैं तो उसकी सूचना आप घर वालों को जरूर देते हैं। अगर काकाजी चाहे तो उनका कोई परिजन या वकील भी पुलिस थाने में उनसे जाकर मिल सकता है, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर काकाजी चाहें तो उनका वकील भी उनसे मिल सकता है, उनके घर वाले भी उनसे मिल सकते हैं। जीतू, क्या आरोप सही होने पर काकाजी के साथ मारपीट भी कर सकते हैं? दादाजी, नहीं, है ना, आरोप अगर सिद्ध हो गया तो उसके साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमारे देश में हर इंसान को कुछ मानवाधिकार प्राप्त है, मानव अधिकार बनाए हुए हैं, जो हर व्यक्ति के अपने कुछ अधिकार होते हैं जो कानून उन्हें देता है, वो बने हुए हैं, उसके आधार पर ही सब काम होते हैं। किसी भी हालत में किसी के साथ मारपीट, जुर्म, यातना या अपमानजनक व्यवहार करना गैर कानूनी होता है। मानवी, तो मानवी क्या बोल रही है? काकाजी को हथकड़ी भी लगाएंगे क्या? तो दादाजी ने क्या बोला? यदि पुलिस को विश्वास हो कि वे भाग जाएंगे तो लगा सकती है। पुलिस तो शक्ल देख के पता कर लेती है कि कौन कैसा है, है ना। तो अगर उनको विश्वास होगा तो हथकड़ी नहीं लगाएंगे, और विश्वास नहीं हुआ तो हथकड़ी लगाएंगे। हाँ, यदि कोई खतरनाक आरोपी है तो न्यायालय की अनुमति से उसे हथकड़ी लगाई जाती है, अकारण ही किसी का अपमान करने के लिए नहीं। जीतू, क्या पुलिस रामू की काकी को भी पूछताछ के लिए ले जा सकती है? अब जीतू क्या बोल रहा है कि रामू काका को तो ले गए हैं, तो क्या काकी को भी ले जा सकते हैं? तो दादाजी बोल रहे हैं, महिलाओं से पूछताछ करने के लिए जहाँ तक संभव हो महिला पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में घर जाकर पूछताछ करती है। एक और चीज होती है पुलिस की कानून में, है ना, कि जब कोई महिला से पूछताछ होती है तो महिला से पूछताछ करने वाली पुलिस भी महिला पुलिस ही होती है। ओके, यदि विशेष परिस्थिति में किसी महिला अपराधी को पूछताछ हेतु थाने पर बुलाया जाता है तो पूछताछ के दौरान संबंधित महिला के परिजनों को उसके साथ रखा जाता है। अगर कोई महिला पुलिस नहीं है तो पूछताछ के दौरान घर के कुछ लोगों को उसके साथ रखा जाता है। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। थोड़ा और लेसन ये बाकी है, इसको हम नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे। ओके, तो ये था हमारा सबके चेहरे खिल उठे, है ना। ये किसी बुक से ली गई संकलित कहानी है, है ना, कथा है, जिसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं कि पुलिस के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। पुलिस हमारे साथ अच्छा व्यवहार करती है, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा, दोनों चीज़ें होती हैं। ओके, तो यह था हमारा पार्ट 4 सबके चेहरे खिल उठे। अब पार्ट 3 तक आपके सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है।
और एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि आप जब मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ, जब आप उसे ओपन करते हैं तो आपके साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है। क्या लिखा हुआ आता है? सब्सक्राइब। आप जब उसे टिक करेंगे तो उसके पास में घंटी भी बनी हुई आती है, बेल आइकॉन बना हुआ आता है। आप उसे जब क्लिक करेंगे तो आप उसे आल पर क्लिक कर दीजिएगा, तो जब भी मैं वीडियो, अगर एक दिन पहले भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो वो सारे वीडियो आपके पास अपने आप ओपन हो जाएंगे। ओके, तो आपको एक दिन पहले भी मेरे वीडियो देखने में आ जाएंगे। तो ये था हमारा पार्ट 4 हिंदी का, है ना, सबके चेहरे खिल उठे। बहुत ही जल्दी हम आपको स्कूल बुलाने वाले हैं। आई होप कि आप अपनी सारी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं और आपका टेस्ट भी होने वाला है बहुत जल्दी, तो हो सकता है कि वो हम आपके घर आकर लें या आपको हम स्कूल में बुलाएं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपनी तैयारी पूरी रखें, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।